अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो सुबह हो गई है, सुबह हमारी अभी 1:15 हो गया, 1 बज गया, 10 मिनट हो गए। तो सुबह हमारी अब हुई है, क्योंकि ठीक नहीं ना मैं ना मुइज़, तो सारा दिन हमने लेटे ही रहना है। तो आज मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने मुइज़ के लिए किया पानी गर्म, तो गैस तो आती नहीं, मैंने सिलेंडर भी पानी गर्म किया और मैंने कहा फ़ौरन उठो, नहाओ, नीचे तक कपड़े उतारो। तो ये देखिए ज़रा मोइज़, इसके मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, मोइज़ के मैं कर रही हूँ कपड़े इस्त्री। मैंने कहा मैं ना आपको कपड़े प्रेस करके देती हूँ मोइज़, तो आप नहा लो, क्योंकि मोइज़ को मैंने कहा भी मोइज़ नीचे तक जो कपड़े पहने हुए हैं ना, मतलब बनैन या पजामा जो भी पहना हुआ सब उतार दो, तो ताकि बुखार आपकी जान छोड़े। तो मोइज़ को मैंने पानी गर्म करके दे दिया, वो नहा के कमरे में आ गया, तो कपड़े प्रेस हो गए हैं इसके। अब मोइज़ साहब कपड़े बदल रहे हैं। ये है मोइज। मोइज सलाम करो। सलाम। हाँ जी, अब वो कपड़े चेंज कर लेना फिर। ये अब्दुल्ला, अब्दुल्ला साहब सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। हाल बना हुआ है, ये देखें जी, ये हमारा हाल बना हुआ है। ये बिस्तर पड़े हुए हैं, ये बिस्तर पड़े हुए हैं, ये देखें कुछ नहीं, ये देखें मेडिसिन पड़ी हुई है सारी हमारे साइड टेबलों पे। तो यकीन करें हॉस्पिटल बनाया हुआ है हमारा, दिल नहीं करता उठने को सारा दिन। अब मैं ना मैं ना आपको साथ लेके जा रही हूँ बाहर। नहीं मेरा बेटा, हवा बदली होगी। मैं ना इसको कह रही हूँ, हमारी ना ग्रोसरी गेस्ट आए हुए हैं माशाल्लाह, तो चीज़ें ख़त्म हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मोइज़ आ जाओ नहाओ, आपके ना इसके मैं सर को कंघी करती हूँ, पसीने इसको बहुत आया, मैं कहा बरी कंघी लेके आओ ज़रा। तो अब्दुल्ला वो देखे, अब्दुल्ला टीवी के पास ना बेटे, बलून के साथ खेलो। तो मोइज़ हम ना ग्रोसरी करने जाती हैं और साथ साथ हम आज ग्रोसरी भी दिखाएंगे, हैं? चलें जी। ये मैं ना ज़रा अभी तो बाजी का टाइम हो गया, बाजी को ले आए, 1:10 हो गए हैं, मेरी बेटी को छुट्टी होने वाली है कॉलेज से मिले। ये देखें जहाँ जहाँ हमने चाय पी है, ये मेरा पड़ा हुआ है क्योंकि हमने चाय ही पी है, दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। ये मेरा मग पड़ा हुआ है, वो ड्रेसिंग पे मोइज़ का पड़ा हुआ है। फिर ये देखें, ये मोइज़ का मग पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ हमने पी है वहाँ वहाँ ही पड़े हुए हैं सारे बर्तन। बर्तन देख लें पड़े हुए हैं सुबह के धोने वाले, मैं साथ साथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो फिर हमने बेटी को ला के मैं जाती हूँ ग्रोसरी करने। आज मैंने मंगवाया चिकन, साथ मैंने मंगवा लिया चिकन। मैं इसके बाबा से मैंने कहा आज ना मैं कुछ खाने को दिल नहीं करता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डालती हूँ पानी, इसको वॉश कर लेती हूँ। और आज ना हम ना नॉर्मल सा शोरबा बना के चिकन बनाते हैं, जिससे हमें रोटी खाने का दिल नहीं करता। मोइज़ तो चलो बीमार ज़्यादा था, मैं तो कम ही बीमार हूँ, मोइज़ इतना नहीं हुई। वैसे भी माएँ जो होती हैं ना ज़्यादा बीमार होकर भी कम ही लगती हैं। इसमें पानी डाल देती हूँ, पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं ना साथ इसको वॉश कर लूँगी जी। मैं जाने लगी हूँ, मोइज़ बाहर निकल गया, मैंने कहा कि ऑटो देखो, तो हम लोग ना ग्रोसरी ले आए, तो उधर जाके मैं मिलती हूँ हम लोगों के साथ। अच्छा जी, आ गए हम शॉपिंग मॉल में आ गए हैं। ये जी सारा शैम्पू का एरिया है, शैम्पू मैंने लेना है, तो हम लोग ये शैम्पू यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा मोइज़ साथ है तो ले लें, मतलब महीने का ही लेके आती हूँ, पूरा महीना गुजर जाता है, क्योंकि थोड़ा मतलब कुछ शॉपिंग ऐसी होती है जो रोज़ रोज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने महीने में एक दफ़ा ही ले लेना होता है ग्रोसरी का सामान सारा, फिर महीना हमारा बहुत अच्छा गुजर जाता है। और यकीन करें अब तो हैरानगी वाली बात है, जो महीने में हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 4,000 की चीज़ लेते थे, अब वो 8,000 की मिल रही है, इतनी महंगाई होती जा रही है। तो हम लोग कहाँ जा रही है, मोइज़ है, मेरे से नीचे कुछ गिर गया था, इससे मोइज़ से गिर गया था, मोइज़ ने पकड़ी है, फिर हम लोग आ गए इधर। बाकी ये जहाँ साबुन वगैरह मिलते हैं, ये साबुन वगैरह जो चीज़ें मैंने लेनी है इधर से ले लेती हूँ। इसी तरह फिर मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ शॉपिंग अपनी शेयर करती हूँ। और यकीन करें मैं ना यहाँ से ही लेती हूँ, बंदे को जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो ही ले लेते हैं। तो देखे, ये देखें इतना बड़ा पत्ती का डब्बा मैंने लिया है, और पत्ती हम ज़्यादा मतलब सर्दियों में चाय ज़्यादा यूज़ होती है, गेस्ट भी आते जाते रहते हैं माशाल्लाह, और घर में भी चाय 2 टाइम 3 टाइम बन जाती है, क्योंकि सर्दी होती है, जिसको सर्दी लगी वो कहता है मुझे चाय। ये देख लो मोइज़ ने मास्क पहना, मोइज़ तो मास्क उतारता ही नहीं है। तो मैं ना इधर आई हूँ, तो इधर ना घी के वो मैंने घी लेना था, हम लोग घी यूज़ करते हैं सूफी का,
तो कहते हैं अभी मैम आप ना कोई और ले लें, अभी एक पेटी पड़ी हुई है वो सूफी का, अभी रेट बढ़े हैं तो अभी आया नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो वही लेना है, यही दे दें। तो वो फिर बात करना शुरू हो गई मेरे साथ। ऊपर जा रही हूँ मैंने ना, अब अपनी बेटी का लेना है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक ही था, एक मैंने कहा और ले लेती हूँ पंजाब कॉलेज का। भैया ना पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म बच्चे का साइज 40। कैसी चाहिए? चाहिए अकड़ा अकड़ा कपड़े सरताज का ही। शर्मिश पता करके थे 1000 पता नहीं 65 का था, अब देखे 1300 का। अभी तो पिछले रेट तो बड़ा ही नहीं पता, पिछले साल वाला रेट बड़ा, अभी तो चेंज नहीं हुआ। 38 दिखाइएगा उसको क्या है? ये 38 ये था। फिर ये ना थोड़ा टंग टंग है, खोले आपकी शर्ट साइज शायद खुली हो, मैंने पंजाब कॉलेज से लिया ना शर्ट थोड़ी सी ना। हाँ ये छोटा था बेल्ट वाली। चले फिर दे दें अल्लाह की स्पोर्ट। देखिए जी स्पेशल किड्स का स्टॉक आया और कराची से परचेज किया हुआ है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, इसकी फिनिशिंग हर चीज बहुत बेस्ट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखे ना ये भी अच्छा है माशाल्लाह। हाँ जी बच्चों को पहनाएंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे। जैकेट्स हैं गर्ल्स बॉयज की। अच्छा जी बहुत खूबसूरत चीज, कलर भी बहुत प्यारे हैं। हाँ जी कलर भी बहुत प्यारे हैं। हाँ जी स्वेटर जस्सी पे सेल लगी हुई है और हमारा ये बेडशीट है। हाँ जी बेडशीट है, 30% ऑफ लगा हुआ है। कब तक है ये? ये आप जब तक स्टॉक हमारी सेल अभी लगी हुई है। अच्छा जी ये मैम बता रही है ये मुगलपुरे में नेमत खाना है हमारा, मैं तो हर महीने आती हूँ माशाल्लाह इधर, तो इधर होते हैं तो आप लोग आइएगा इधर। हाँ ये अपर प्यारे है। हाँ जी अपर बहुत प्यारे हैं। ओ सॉरी चल मैं पकड़ लेती हूँ। अबाये का भी बताएं, हमारे पास अबाये की बहुत अच्छी वैरायटी है। ये सॉक्स लगी हुई है। हाँ जी सब पे ना, इन पे नहीं डिस्काउंट मेरे ख्याल। हाँ जी डिस्काउंट विंटर कलेक्शन पे डिस्काउंट है। हाँ जी ठीक है। जर्सी स्वेटर किड्स का गारमेंट्स। हाँ जी ये देखिए ये लगी हुई है, ये ऊपर लगा लगा। कितने कब तक है ये स्वेटर पे, स्वेटर का कब तक है? जब तक सेल ये स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। स्टॉक खत्म नहीं हो जाता इंशाल्लाह। बहुत अच्छी सेल है और आप पहले आए और पहले पाए हैं, स्टॉक को देख के जाएं। मैंने अब तो मैंने बना ली है वीडियो। हाँ, तो मैम आऊंगी नेक्स्ट मंथ, तो फिर मुझे ना अच्छे तरीके से वीडियो बनवाना। चलो ठीक हो गया। इनके बाय भी बहुत अच्छे हैं, ये देखें जी माशाल्लाह अच्छी प्राइस है। ये लगी हुई तो बाय भी बहुत अच्छे हैं। किड्स का स्टॉक भी खाएं, गर्ल्स का बॉयज का। ये बाया का कलर देखे, बाया का कितना प्यारा है। आपने भी इधर से लिया हुआ? हाँ जी ये बाया मैंने भी इधर से लिया हुआ। ये देखे बच्चों के, और अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि बाया दुबई से हैं। अच्छा जी हमारे ना मुगलपुरा जो है ना, लाहौर मुगल जो रहते हैं इधर, उनको तो पता ही होगा। तो माशाल्लाह ना बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। मेरे हस्बैंड कभी कहते भी हैं ना ग्रोसरी इधर पास में बारे ना, हमारे पास में भी एक दो, तो मैंने कहा नहीं मैं ना इधर ही आती हूँ। आज मैं आपको पता है आप लोगों को मुइज़ को साथ लेके आई हूँ, इसके बाबा कह रहे वो ठीक नहीं, तो मैंने कहा मुइज़ आ जाए आपकी टांगे भी खुलेगी तो हम ग्रोसरी करके आते हैं। अच्छा जी सब सामान मिलेगा आपको इधर से। ये स्टॉलर लगे हुए हैं, नीचे की ग्रोसरी तो मैंने दिखाई दी है। चले ये देखे, ये तो मेरा साइज ही है, इसमें भी ऑफ लगा हुआ। ये सर्दियों वाला है। हाँ जी विंटर कलेक्शन में सब लगा हर चीज़ ही है, आप आए तो डिस्काउंट लगे हुए हैं ले ले। अल्लाह हाफिज, सामान मेरा भेज दे। ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे ना अच्छा क्वालिटी वाइज हर चीज़ अच्छी मिलती है, हर चीज़। तो हम लोग तो इधर ही जाते हैं, महीना इस तरह 2-3 तारीख आती है तो हम लोग चले जाते हैं, और माशाल्लाह महीने की ग्रोसरी का और साफ सुथरी होती है।
अभी घर में आ गई हूँ, मैंने तो अभी आके उबाया भी नहीं था रहा, कब की आई हुई हूँ, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, 10 से भी ज़्यादा हो गए थे, आके बैठी हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं वीडियो भी एडिटिंग वगैरह करके शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और नेमत खान की वीडियो मैंने आज बनाई है, तो देखना, चीज़ें अच्छी होती हैं वैसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।